दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फोटोशॉप के वीडियो में देखेंगे लेयर मेनू में लेयर स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोटोशॉप है और यहाँ पे ये लेयर मेन्यू है और यहाँ पे लिखा है लेयर स्टाइल, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करना है तो आपको लेयर स्टाइल पे कैसे फोटना है, तीन तरीके से फोट सकते हो। लेयर मेनू में जाइए और लेयर स्टाइल पे क्लिक करके जा सकते हो। ओके, तो पहले इसको अनलॉक करते हैं। ओके, ठीक है, लेयर स्टाइल में ऐसे ही जा सकते हो। ओके, लेयर पे अनलॉक करके डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल पे आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्लिक करोगे तब भी आप लेयर स्टाइल पे जा सकते हो। ओके, तीन तरीके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर स्टाइल में पहला ही ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये सभी। ओके, यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि बेवल और एम्बस, बेवल और एम्बस क्या होता है इससे। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं क्या कैंसिल कर देता हूँ। ओके, कैंसिल करके मैं एक यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। ओके, एक शेप ले लेता हूँ, शेप को मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, सॉरी यहाँ से दे देता हूँ इसको कलर। ओके, अब इस शेप को डबल क्लिक मैं करता हूँ और यहाँ पे बेवल और एम्बस जैसे ही करूँगा तो ये देखिए आपको 3D यहाँ पे मिलेगा व्यू, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए डबल क्लिक करते हैं बेवल और एम्बस, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जब इस पर आप क्लिक करोगे तब भी आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और यहाँ के देखिए स्मूथ चाहिए, ठीक है, चिजल हार्ड चाहिए, चिजल सॉफ्ट चाहिए, ठीक है। डेप्थ देखिए इसकी, ज्यादा मैं बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। ओके, क्योंकि इसकी साइज भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, सॉफ्टन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये देखिए। ओके, और यहाँ से एंगल है ये भी आप यहाँ से देखिए। ओके, ये एंगल भी आप यहाँ से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये देखिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो शेप है वो शेप भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रीमियम मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे। ओके, और यहाँ से दे सकते हो स्क्रीन है जो ब्लेंड है, जो उसका वो स्क्रीन चाहिए, ओवरले चाहिए, ठीक है, डार्कन, मल्टीप्लाई, जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पास में कलर है, कलर में आपको जैसा चाहिए वैसा इफेक्ट दे सकते हो, कलर ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे शेडो मोड है, वो मल्टीप्लाई है, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ होने के जाने के बाद आपको पहले जैसा करना है तो रिसेट टू डिफॉल्ट क्लिक कर दीजिए, जैसा पहले था नॉर्मल वैसा हो जाएगी। और यहाँ सभी इफेक्ट है और यहाँ से आपको रिसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट करोगे तब भी जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ओके, मैंने वर्क किया था इसलिए यहाँ पे एड होगा और यहाँ पे रिसेट डिफॉल्ट करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंटूर। कंटूर में क्या कर सकते हो आप, जो मैंने बताया, ठीक है, ये देखिए। ओके, यहाँ पे आप यहाँ से थोड़ा सा ये नॉर्मल प्रिज्म की तरह यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये देखिए। ओके, और यहाँ से फिर से रिसेट डिफॉल्ट। अब इसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी पैटर्न है वो यहाँ पे लगा सकते हो, ये देखिए, आपको ऐसे ही लगेगा ये जो ट्री था, ठीक है, ये ग्रास वाला ट्री होगा, वो ले यहाँ पे ऐसे करोगे, ये देखिए कोई भी पैटर्न है वो यहाँ पे लगा दोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि दीवार में यहाँ पे कुछ है। ओके, ये देखिए, ठीक है, इस पैटर्न से हम टाइल्स के वगैरह कुछ डिजाइन कर सकते, मैं बता रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं इसे। और उसके बाद आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक से क्या होता है, चलिए यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। स्ट्रोक से आप बॉर्डर ले सकते हैं, स्ट्रोक का मतलब है बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रोक से ले सकते हैं बॉर्डर। ओके, तो यहाँ से पहले इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे टी से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑफिस। ओके, तो इसका फॉन्ट है मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ से डबल क्लिक करिए और यहाँ पे स्ट्रोक पे जाइए। स्ट्रोक पे क्या होता है, ये देखिए बॉर्डर की साइज, ये देखिए। ओके, ये बॉर्डर मैंने ले ली है, ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर का कलर है मैं कर देता हूँ रेड। ओके, अब देख सकते कलर में फील है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, वो सब करवा सकते हो। ग्रेडियंट से डबल कलर की आप बॉर्डर ले सकते हो, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक की जगह आपको जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, रेड। ओके,
इसके बाद यहाँ पे व्हाइट की जगह आप कर लीजिए ब्लू सिलेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे डबल कलर की बॉर्डर मिल चुकी है आपको, ये देखिए इसी को, इसको यहाँ रख देते। ओके, यहाँ से पैटर्न भी आप ले सकते हो डायरेक्टली, ये देखिए बॉर्डर पे। ओके, तो इसके एंगल चेंज कर सकते हो, स्केल चेंज कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, स्केल को जूम इन जूम आउट कह सकते हो। ओके, और अगर आपको दूसरा भी एक शेडो चाहिए तो यहाँ पे जो प्लस है वहां पे क्लिक कीजिए और दूसरा शेडो आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, ये देखिए दूसरे शेडो भी आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे ले सकते हो, ठीक है। तो सभी को रिसेट डिफॉल्ट कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब उसके बाद स्ट्रोक के बाद आता है इनर शेडो। इनर शेडो से क्या होता है कि जो शेडो है वो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए शेडो को डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए अंदर की तरफ ये थोड़ा शेडो रहेगा, ठीक है। चौक से मैं थोड़ा सा इसको, ओके, इसकी साइज है थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ, ये देखिए अब देखिए, ठीक है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नॉइस थोड़ा सा सेट कर सकते हो आप, ये देखिए बहुत ही ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा आप सेट कर सकते हो। ओके, ये हो गया इनर शेडो। ओके, अब इसके बाद यहाँ से जब क्लिक करोगे तो लग जाएगा, क्लिक हटा दोगे तो वहां से हट जाएगा। ओके, इनर ग्लो, इनर ग्लो भी थोड़ा इनर शेडो जैसा ही है लेकिन चारों ओर से ये आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए चारों ओर से देखने को मिलेगा। स्क्रीन है नॉर्मल कर देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है ये देखिए, इसका नॉइस में कम कर देता हूँ और ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए इनर की तरफ इसको ये ग्लो करेगा, ठीक है। इसका चौक में थोड़ा कर बढ़ा देता हूँ, साइज भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए। ओके, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से रेंज और जिटर भी आप सेट कर सकते हैं, रेंज इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ, जिटर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, ये देख सकते हैं इनर ग्लो। तो ये सभी ऑप्शन है, बहुत ही आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, रिसेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग से आप क्या कर सकते हो, सेटिंग को यहाँ पे इस पे इफेक्ट नहीं करवाते, ऑफिस को निकाल देते और यहाँ पे लेयर पे इफेक्ट करवाते सेटिंग को। ओके, पहले तो मैं इसको कंट्रोल जीरो कर लेता हूँ, अब सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग क्या है कि सेंटर में से ये एक शेडो टाइप यहाँ पे क्रिएट करेगा, सेंटर से शेडो टाइप, ये देखिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई देखिए, इसकी साइज है मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए, तो जो इसकी नोच है ना वो बढ़ेगी। डिस्टेंस से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो डिस्टेंस में फुल कर दूँ, साइज भी फुल कर दूँ, तो ये देखिए सेंटर में से शायद आपने शेडो देखा होगा तो यही है, ये देखिए रेड कर सकते हैं आप इसका कलर, ठीक है। ओके, अब यहाँ से रिसेट डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, सेटिंग को निकाल देते हैं। अब उसके बाद आता है कलर ओवरले। कलर ओवरले, आपकी इमेज पे कोई आपको ओवरले ऐड करना है, ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो, ये देखिए ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और यहां से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर ओवरले से इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे ही आप यहां से ऐसे कर सकते हो और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आएगी। कलर आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो यहां से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। ओके, इसको ओके कर लेता हूँ। तो इससे ओवरले आपको कहाँ से काम आएगा, ये देखिए, अब इस पे मैं टेक्स्ट लू, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, ये देखिए ले लेता हूँ और इसकी साइज भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐसी इमेजेस आपने कई बार देखी होगी कि यहाँ पे व्हाइट अक्षर से लिखा हुआ है, ठीक है, और बैकग्राउंड में इमेज है। ओके, तो इसको कलर ओवरले से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से इसको कलर ओवरले निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है आपको ग्रेडियंट ओवरले से क्या कर सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले से ये देखिए यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे क्लिक करके आप दोनों जैसे कलर ओवरले है वही वैसे ही ग्रेडियंट ओवरले है, ये देखिए, ये यहाँ से इसको ये देखिए ओके कर दीजिए, ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम कर दीजिए, ये देखिए ग्रेडियंट ओवरले से आप ये भी कर सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले से आप दूसरा कुछ काम है तो वो भी कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट को ग्रेडियंट टेक्स्ट करना, ठीक है, कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेता हूँ,
यहाँ पे इस इमेज को मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, रिवर्ट जो पहले था वैसा नॉर्मल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, ओके टेक्स्ट मैं लगाता हूँ टीचिंग वेब। अब उस टेक्स्ट को मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, ओके कलर मैंने दे दिया है ब्लैक। अब इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ओवरले लगा सकते हो। ग्रेडियंट ओवरले में यहाँ पे क्लिक कीजिए, कलर दोनों अलग चूज कीजिए, ठीक है, व्हाइट नहीं चाहिए, रेड चाहिए, ओके यहाँ पे भी मुझे रेड ब्लू चाहिए, ओके यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट से आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हो। यहाँ से क्लिक कीजिए, बेसिक है, ब्लू शेड है, जितने भी आपको शेड चाहिए पर्पल शेड वो सब भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, लीनियर भी ले लो, रेडियल भी ले लो, ओके ये देखिए एंगल देखिए, ओके ये सभी यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से एंगल भी इसका बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ठीक है, स्केल कितना चाहिए, जूम कितना चाहिए वो, ठीक है। मेथड में देखिए स्मूथ है तो स्मूथ ही रखना है हमें, ओके। तो ऐसा ग्रेडियंट टेक्स्ट भी आप कर सकते हो इससे, ठीक है। अब मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको डिलीट, इसको अनलॉक कर लेते हैं डबल क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आकर पैटर्न ओवरले, ये देखिए पैटर्न ओवरले पे जब भी जैसे ही क्लिक करता हूँ पैटर्न अभी आ चुकी है, यहाँ से अब इसकी ओपेसिटी हमें घटानी है। और देखिए सिर्फ ब्लेंड कर देगा, ये दोनों इमेज को ब्लेंड कर देगा, आप इसको यहाँ से कर सकते हो ऐसे, ये देखिए, ओके इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, स्केल बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ठीक है, ओके ये देखिए, ठीक है। तो ये था पैटर्न ओवरले, पैटर्न ओवरले को यहां से रिसेट कर लेते हैं, ठीक है, और निकाल देते हैं। और आता है आउटर ग्लो, आउटर ग्लो के क्या होता है कि आपकी जो इमेज है आपकी कोई टेक्स्ट है वो उसके आउटसाइड में ग्लो करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीचिंग वेब, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट के लिए, अब ये आउटसाइड की तरफ ग्लो करेगा, ये देखिए इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और आउटर ग्लो में चले जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ से ओपेसिटी मैंने नॉर्मल लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए इसकी फील ओपेसिटी को थोड़ी कम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको भी ओपेसिटी को थोड़ी कम कर लेते हैं, ओके। और ये देखिए अब देखिए, ठीक है, ये देखिए स्क्रीन में आप यहाँ से कुछ भी ऐसे मोड एडजस्ट कर सकते हो आउटर ग्लो के, ठीक है। अभी कैंसिल करते हैं, फिर से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट कर देते हैं और आउटर ग्लो अभी लेते हैं, ये देखना, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से कलर से भी आप कलर भी सेट करा सकते हो आपको जो भी चाहिए, लेकिन एक तरफ ही ओपेसिटी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो आउटर ग्लो देखिए, ये देखिए, ठीक है, जो आपका टेक्स्ट है उसके बाद आउटर ग्लो करिए, आपके पास इमेज है, लोगो है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, इसी मैं स्प्रेड थोड़ा इसका कम कर देता हूँ, ये देखिए साइज भी थोड़ी कम कर देता हूँ, ओके ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, अब इसको निकाल देते हैं। अब उसके बाद आते हैं लास्ट वाला ऑप्शन है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो से क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी है लोगो है वगैरह जो भी है उसे आप ड्रॉप शैडो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए ड्रॉप शैडो, कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं फिर से, ठीक है, टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो उसका एक शैडो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ड्रॉप शैडो से यहाँ से आप देख सकते हो उसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो वो देखिए, ठीक है, स्प्रेड कर सकते हो, उसकी साइज भी आपको चाहिए वैसे कर सकते हो, ठीक है, ओके ये देखिए। यहाँ से सभी ऑप्शन आपको ट्राई करने हैं, ये सभी ऑप्शन, ठीक है, जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, और रिसेट डिफॉल्ट लिस्ट कर देते हैं तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है गाइस। ड्रॉप शैडो में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेयर स्टाइल कंप्लीट। तो
अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।